फीजा, आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए देखते हैं फास्ट न्यूज नॉर्थ बंगाल टू सिक्किम। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय नागालैंड सरकार, टीयर 500 मंथली लॉटरी, पहलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटी। लोकसभा चुनाव से पहले राज्य के बजट में ममता सरकार ने किया बड़ा ऐलान, महिलाओं के लिए लक्ष्मी भंडार का आवंटन। अब से 500 रुपए नहीं बल्कि 2 गुना राशि, यानी बंगाल की हर महिला को 1000 रुपए मिलेगा। आदिवासी महिलाओं के मामले में ये 1200 है। मालदा में लोकसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी पार्टी को लगा बड़ा झटका, 150 पार्टी कार्यकर्ता भाजपा में हुए शामिल। राजगंज सांबारी रेंज के वन कर्मियों ने आलिमगढ़ हक के नेतृत्व में छापेमारी कर आरोपी के पास से 80 सेंटीमीटर पैगोरीन की खाक किया बरामद। तस्करी करने से पहले एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार, आरोपी को आज जलपाईगुड़ी जिला अदालत में किया पेश। घूमजोल बंगरो समिति के अंतर्गत वार्ड नंबर 2 में गोलखा रेंज क्षेत्र प्रशासन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल थापा की उपस्थिति में विभिन्न परियोजनाओं का विधिवत शिलान्यास एवं उद्घाटन किया गया। आज सुबह सिलीगुड़ी सेवक रोड पर एक और बड़ी दुर्घटना हुई, बाइक स्कूटर की चपेट में आने से एक व्यक्ति घायल। सिलीगुड़ी में हार्डवेयर की दुकान पर फिल्मी डकैती, दुकान का दरवाजा तोड़कर नहीं बल्कि 3 का छत काटकर बदमाशों ने दुकान में चोरी की घटना को दिया अंजाम। पिछले 2 फरवरी को सिलीगुड़ी थाना अंतर्गत सुभाषपल्ली स्थित एक घर से कई महंगी घड़िया और नकदी चोरी हो गई थी। शिकायत मिलते ही सादे लिबास में पुलिस ने बागडोगरा के रानी डंगा इलाके के निवासी सौरभ दास को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार सौरभ दास को आज कोर्ट में किया गया पेश। मालदा में मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने स्वर्ण व्यापारियों के ऊपर हो रहे हमले के खिलाफ पुलिस अधीक्षक सहित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। जलपाईगुड़ी में तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से एक लियोपार्ड कैट की मौत, नेचर और एडवेंचर सोसाइटी के सदस्यों ने बुधवार की रात माल ब्लॉक के बागराकोट ग्राम पंचायत के चांदमारी इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग 70 से इस लियोपार्ड कैट का शव किया बरामद। मालदा के खोकसन गांव में पेयजल परियोजना को लेकर ग्रामीणों ने लगाई वीडियो से गुहार, उनकी मांग ये है कि जिस क्षेत्र के लिए पेयजल परियोजना की घोषणा की गई है पेयजल परियोजना वही लगानी चाहिए, वीडियो ने आवश्यक कदम उठाने का दिया आश्वासन। उत्तर दिनाजपुर में एक 18 पहिया ट्रक अनियंत्रित होकर रायगंज के करंटिकी के टुंगीटिकी बस स्टैंड मोड़ इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग पर पलट गई, इसके नीचे कई लोग दब गए, 2 लोगों की मौत और 8 लोग गंभीर रूप से घायल। इस्लामपुर महाकामा अस्पताल परिसर में स्थित 2 दुकानों में डिस्प्ले नहीं लगाए जाने के कारण महाकामा प्रशासन द्वारा दुकानों को कर दिया गया है सील। कुचबिहार पंचानन वर्मा विश्वविद्यालय में IIT खड़गपुर के साथ मिलकर बनाई जा रही है डिजिटल लाइब्रेरी हब, जिसका उद्घाटन विशेष सेमिनार के साथ हुआ। अब तक के लिए इतना ही, तमाम खबर और अपडेट के लिए देखते रहिए इसके लाइव। धन्यवाद। हम घुटने में प्रॉब्लम है, करेक्ट, सीढ़ी चढ़ने में और उतरने में प्रॉब्लम लग रहा है आपको, करेक्ट। ही शोड हर एक्सरे आल्सो बेस्ड ऑन एविडेंस इज डायग्नोस्ड ONE, करेक्ट 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 एंड 3 2 1 go, perfect, and perfect. कैसा लग रहा है? आनंद थोड़ा वॉक करिए। कामती हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक्स सेंटर, आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी। अब नया चिकित्सा केंद्र जहां बेहतरीन डॉक्टरों द्वारा उच्च स्तरीय देखभाल मिलेगी। इंटरनल मेडिसिन, गायनेकोलॉजी, ENT, कार्डियोलॉजी, गेस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, जनरल सर्जरी सभी यहां है। हमारे यहां एक उच्च स्तरीय डायग्नोस्टिक सेंटर है जिसमें नवीनतम उपकरण है और उचित कीमतों पर सेवाएं प्रदान की जाती हैं। स्वास्थ्य जांच पैकेज के साथ कलर डॉपलर स्टडी, पैथोलॉजी सर्विसेज, अल्ट्रासाउंड, ECG, डिजिटल एक्सरे, EEG आदि उपलब्ध है। हमसे मिले कामती हेल्थ केयर नियर वीगा सर्कल मॉल ऑपोजिट महिंद्रा शोरूम सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9134343404। नागालैंड सरकार टीयर 500 सैटरडे वीकली लॉटरी, पहला पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटीड, 4 डिजिट मा, हाँ 4 डिजिट मा, पहला पुरस्कार 2.5 करोड़, टिकट 500 रुपया,
ड्रॉ 10 फरवरी डियर 500 बाई मंथली लॉटरी मा 3.5 करोड़ विजेता मनु साहा के तपाई हुनुहुन्छ यस पालीको करोडपति।